दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक है। प्रियंका गांधी भी बैठक में शामिल होंगी। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह होंगी शामिल। हिमाचल प्रदेश में संगठन गठन पर चर्चा होगी। देखिए महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनावों के बाद आज दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होगी। CWC की बैठक है, दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक है। प्रियंका गांधी बैठक में शामिल होंगी। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी इसमें शामिल होंगी। हिमाचल प्रदेश में संगठन गठन पर चर्चा होगी। देखा जाएगा कि हिमाचल प्रदेश में किस तरह से कांग्रेस पार्टी को संगठन को मजबूत किया जाए, इसे लेकर देखिए विचार विमर्श किया जाएगा। और प्रियंका गांधी वाड्रा भी इसका हिस्सा होंगी। दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की ये बैठक है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, खासतौर से हिमाचल प्रदेश राज्य के लिहाज से। तो देखिए कि कर सभी राज्यों में जिस तरह से विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और सभी राज्यों में कोशिश जो है अपने अपने स्तर पर की जा रही है, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें या फिर हम बात करें कांग्रेस पार्टी की, कि किस तरह से संगठन को मजबूत किया जाए। और उसी कड़ी में ये जो CWC की बैठक है, क्योंकि यहाँ पर हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी शामिल रहने वाली हैं, ऐसे में जाहिर तौर पर वो कदम उठाए जाएंगे, वो कोशिश की जाएंगी, उन पहलुओं पर चर्चा होगी, विचार विमर्श होगा, जिसमें ये देखा जाएगा कि किस तरह से हिमाचल प्रदेश में संगठन को मजबूती दी जाए, संगठन को बढ़ाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पार्टी से जोड़ा जाए। तो ये तमाम वो बिंदु होंगे जिन पर चर्चा होगी आज जब CWC की बैठक होगी दिल्ली में। दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक का जिक्र कर रहे हैं, जहां पर हिमाचल प्रदेश में संगठन को किस तरह से मजबूती मिले इस पर चर्चा होनी है। और देखिए यहां पर प्रियंका गांधी भी मौजूद रहने वाली हैं। प्रियंका गांधी जो कि हाल ही में वायनाड से सांसद चुनी गई हैं, लोकसभा की सदस्य हैं, हालांकि पहले भी वो एक्टिवली जो है अपनी भूमिका अदा करती रही हैं, पार्टी में संगठन में लगातार संगठन के लिए काम करती रही हैं। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ फोन लाइन के जरिए कंचन कनौलिया जुड़ चुकी है हमारी सहयोगी। कंचन, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक है दिल्ली में और चूंकि हिमाचल प्रदेश अध्यक्ष भी यहां पर मौजूद रहेंगी, किन मायनों में ये खास है बैठक, क्या कुछ बैठक में हो सकता है, विस्तार से बताइए। आपको बता दें कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े हिस्सा कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो बैठक है वो दिल्ली स्थित कांग्रेस हेडक्वार्टर में आज जो है 2:30 बजे शुरू होने वाली है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में टोटल जो लोग हैं 37 लोगों की कमेटी का बेटी है, इस नंबर सभी 35 लोग मौजूद रूप से बात करें, चेयरपर्सन सोनिया गांधी हो, पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस के राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी वाड्रा महासचिव हो, सांसद, तमाम जो है सभी सीनियर लीडर जो है वो इस चैंपर मौजूद रहे। आपको बता दिया अभी कई राज्यों के जो चुनाव हुए, इस साल 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए थे, उसके बाद जो कांग्रेस पार्टी को हरियाणा में हार मिली और जिस तरीके से महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी को हार मिली, उन सभी बातों पर और आज कांग्रेस पार्टी जो अडानी का मुद्दा उठा रही है, आगे चल के लगातार इस तरीके की जो चर्चाएं हैं वो निकल कर आ रही है कि अडानी का मुद्दा उठाने पर समाजवादी पार्टी नाराज है, TMC लगातार नाराज है। TMC का साफ तौर पर कहना है कि जो इंडिया गठबंधन का एक जो मुद्दा होना चाहिए वो सभी की सहमति पर होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है लगातार अडानी का मुद्दा उठा रही है। वही सपा का कहना है कि संबल एक उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी घटना है, उसका मुद्दा पार्लियामेंट में चर्चा के लिए उठना चाहिए। तो उन्हीं सब बातों पर मंथन करने के लिए कांग्रेस पार्टी अपने 35 लोगों की CWC की कमेटी की आज बैठक बुलाई है। साथ ही कांग्रेस की जो ये माने की संसद की कार्यवाही जो की कुछ देर में शुरू होगी, और कल भी हमने देखा कि विपक्ष ने जिस तरह से हंगामा किया, तो हंगामे की स्थिति फिर देखने को मिलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे आपने बात कही कि ये कोशिश जो है विपक्ष की तरफ से की जा रही कि पुरजोर तरीके से अडिग रहे अपने मसलों पर अपनी बात रखने में संसद में खासतौर से। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूँ CWC की जो आज बैठक है, इसके साथ ही तीन जो कांग्रेस पार्टी के राज्य, कर्नाटक हो गया, तेलंगाना हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री को भी CWC से आमंत्रित किया गया है, बुलाया गया है। और
पार्लियामेंट में कौन सा मुद्दा उठाना चाहिए आजादी के मुद्दे को लेकर, दो पार्टियां जो इंडिया गठबंधन से वो नाराज है उस पर मंथन करने के लिए। लेकिन हाँ, कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सांसद लोकसभा नेता विपक्ष, वो लगातार अडानी का मुद्दा उठाते रहेंगे। उसका साफ तौर पर कहना है कि और अडानी के मुद्दे के अलावा और कौन से वो मुद्दे होंगे जो कांग्रेस पार्टी को उठाना चाहिए और इंडिया गठबंधन के मेंबर को, कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं के पास से चर्चा करने जा रही है। और तमाम आगे के जो आने वाले अगला साल है उसके अंदर गोवा हो गया, दिल्ली हो गया, यहाँ से विधानसभा चुनाव होते हैं, तो आगे की रणनीति क्या रहेगी, किस रणनीति अंतर्गत इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी को जो है केंद्र सरकार को घेरना है, उसको लेकर स्ट्रैटेजी पूरी बनाई जाएगी। शुक्रिया कंचन, तमाम बातचीत।